Assalamualaikum dear students, I am Shah Hussain from Aspire College Dipalpur. आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 14 और लेक्चर नंबर 14 में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव के रूल जो हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास आज का जो टॉपिक है हमारा रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि डेरिवेटिव्स के कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास है कांस्टेंट रूल. कांस्टेंट रूल क्या है? कांस्टेंट रूल ये है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो. तो यहाँ पर कांस्टेंट रूल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डी ओवर डी एक्स, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कांस्टेंट इज जीरो वेयर सी इज कांस्टेंट. ये हमारे पास है कांस्टेंट रूल. ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी ऐसे एमसीक्यूज में आ सकता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो. अब हमारे पास नेक्स्ट है आइडेंटिटी रूल. आइडेंटिटी रूल क्या है? आइडेंटिटी रूल ये है कि डेरिवेटिव एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? वन होगा. और यहाँ पर हम एग्जांपल भी ले सकते हैं कांस्टेंट रूल में. जैसे मैं डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स 3/2 का, तो बेसिकली 3/2 क्या है? 3/2 है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा? जीरो होगा. सेम नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी रूल. आइडेंटिटी रूल क्या है कि डेरिवेटिव एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? वन. सेम इसी तरह हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव थीटे का विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा? वन. सेम डेरिवेटिव टी का विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा? वन. यानी जब भी ये सेम होंगे फंक्शन और ऑपरेटर, यानी डेरिवेटिव जिसके हम ताबूत ले रहे हैं सेम होंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? वन. ये हमारे पास है आइडेंटिटी रूल. नेक्स्ट है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन. या कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ इज वन. अब नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल रूल. कांस्टेंट मल्टीपल रूल ये है कि अगर हमारे पास कांस्टेंट इनटू फंक्शन है तो कांस्टेंट वैल्यू स्टार्ट में आ जाएगी और फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा. यहाँ मैं डियर स्टूडेंट्स आपको बताता चलूं, ये जो हमारे पास डी ओवर डी एक्स एफ ओ एक्स है, इसको डेरिवेटिव को एफ प्राइम ओ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल रूल. कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन है तो कांस्टेंट स्टार्ट में, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वेयर सी इज अ कांस्टेंट. यहां पर सी क्या है? सी हमारे पास कांस्टेंट है. तो जैसे हमारे पास यहां पर हम ले सकते हैं डी ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव हमारे पास है डी ओवर डी एक्स, और यहां पर हम ले लेते हैं 5x, तो डेफिनेटली 5 स्टार्ट में आ जाएगा. डेरिवेटिव जब हम विद रिस्पेक्ट टू x का लेंगे तो डेफिनेटली x का डेरिवेटिव 1, तो 5 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5. तो जस्ट आपको रूल बताने के लिए कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल फंक्शन है तो कांस्टेंट वैल्यू स्टार्ट में, फंक्शन का डेरिवेटिव होगा. नेक्स्ट हमारे पास है सम रूल. सम रूल ये है कि अगर 2 और मोर देन 2 फंक्शन हो तो हम उन्हें सेपरेटली डेरिवेटिव ले सकते हैं, यानी डेरिवेटिव जो है लीनियर ऑपरेटर है, हम ऐसे भी इसे कह सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास सेम डिफरेंस रूल. और यहाँ पर डिफरेंस रूल भी ऐसा ही है कि अगर हमारे पास 2 और मोर देन 2 फंक्शन हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम उनका सेपरेटली डेरिवेटिव ले सकते हैं. और सेम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम पुट कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है डी ओवर डी एक्स 5x प्लस 3, तो हम क्या कर सकते हैं? 5x का सेपरेट डेरिवेटिव ले सकते हैं, कांस्टेंट का सेपरेट डेरिवेटिव ले सकते हैं. तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट रूल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रूल है, फ्रीक्वेंटली यूज होगा एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए. और हमारे पास प्रोडक्ट रूल है क्या? हमारे पास प्रोडक्ट रूल ये है कि अगर हमारे पास 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, से हम यहाँ पर इसे कह लेते हैं कि ये हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन और ये हमारे पास है सेकंड फंक्शन. तो प्रोडक्ट रूल क्या है? फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. और याद रखिएगा क्योंकि सेंट्रल साइन एडिशन है एंड एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ
सेकेंड फंक्शन एक ही बात है क्योंकि सेंट्रल साइन क्या है प्लस है और एडिशन पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वोशेंट रूल। क्वोशेंट रूल अगर टू फंक्शन डिफाइंड है, फर्स्ट करें ये न्यूमिनेटर वाला फर्स्ट फंक्शन है, डिनोमिनेटर वाला हमारे पास सेकेंड फंक्शन है, तो हमारे पास क्वोशेंट रूल क्या है, सेकेंड फंक्शन का स्केयर यानी डिनोमिनेटर में सेकेंड फंक्शन का स्केयर, न्यूमिनेटर में सेकेंड फंक्शन सेम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये हमारे पास है क्वोशेंट रूल। बहुत ज्यादा यूज होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अब नेक्स्ट है हमारे पास पावर रूल। पावर रूल क्या है कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव लेना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स रेज टू पावर एन का, तो पावर रूल ये है पावर स्टार्ट में आएगी, पावर से वन लेस करेंगे और विदाउट पावर यानी बेस का डेरिवेटिव। अब आप नोटिस करें यहाँ पर पावर के नीचे बेस क्या है एक्स, तो जब मैं एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूंगा तो ये क्या बनेगा, डेफिनेटली ये हमारे पास बनेगा वन। तो इसलिए हम सिंपली जब एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिए सेम होंगे बेस और ऑपरेटर तो वन बनेगा, हमें राइट करने की जरूरत नहीं। तो पावर रूल क्या है, पावर स्टार्ट में पावर से वन लेस कर दिया और यहाँ पर n क्या है, n बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल रूल, इसे हम मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अप्लाई नहीं करते लेकिन आपको बाय नेम आइडिया होना चाहिए क्योंकि सम टाइम एमसीक्यू में ये राइट किया जा सकता है विच वन इज अ रेसिप्रोकल रूल। तो रेसिप्रोकल ये रूल ये है कि इफ फंक्शन g इज डिफरेंशिएबल एंड g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो देन डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव वन ओवर जी ऑफ एक्स क्या होगा, नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास है रेसिप्रोकल रूल। और लास्ट है हमारे पास चेन रूल। चेन रूल ये है कि अगर हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है या हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन है या जब वो हमें कहता है डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, तो देन हम हेल्प लेते हैं चेन रूल की। और चेन रूल क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स। और याद रखिएगा यहाँ पर यू जो है हमारे पास थर्ड वेरिएबल है जो लाइक का पैरामीटर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि डेरिवेटिव ये जो हमने dy ओवर dx लिखा हुआ है इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं dy ओवर dx dy ओवर d थीटा इनटू d थीटा ओवर dx, यानी जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू यहाँ पर होगी। तो ये हमारे रूल थे डेरिवेटिव के कुछ बेसिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हें प्रूव भी करेंगे, अभी जस्ट इसलिए कि आप सबसे पहले ये फॉर्मूले याद रखिएगा और इस फॉर्मूलों की हेल्प से हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो डियर ऑल ये था आज का लेक्चर नंबर 14, होप सो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 15 में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 से पहले आपको सबसे पहले डेरिवेटिव के रूल्स का पता होना चाहिए, आपको डेरिवेटिव के रूल्स आने चाहिए, कौन से डेरिवेटिव के रूल्स हैं हमें पता होना चाहिए। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, इसे हम कांस्टेंट रूल बोलते हैं। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है, इसे हम आइडेंटिटी रूल बोलते हैं। कांस्टेंट इनटू फंक्शन है तो कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाता है। सम रूल सेपरेटली डेरिवेटिव ले सकते हैं, डिफरेंस रूल सेपरेटली डेरिवेटिव ले सकते हैं। अगर हमारे पास टू फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल होता है। अगर हमारे पास टू फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल है फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसी तरह हमारे पास क्वोशेंट रूल है, पावर रूल है, आपने सबसे पहले वो सारे के सारे फॉर्मूले रूल याद रखने हैं, देन उनकी हेल्प से हमें ये क्वेश्चन अपने सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ये है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो याद रखिएगा जब भी हमने इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, सबसे पहले हम इसे लेट कर लेंगे वाई के इक्वल। तो यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन है इसे हमने लेट कर लिया, इसके इक्वल लेट किया वाई के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो इसका मतलब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, वाई का, और
राइट साइड पे डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, वाई की वैल्यू का। तो हमारे पास वाई की वैल्यू क्या है, 2x-3 डिवाइड बाय 2x+1। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे क्वोशेंट रूल। तो हमारे पास क्वोशेंट रूल क्या है पता होना चाहिए। क्वोशेंट रूल ये है कि अगर ये हमारा ऊपर वाला फर्स्ट फंक्शन है, नीचे वाला सेकंड फंक्शन है, तो क्वोशेंट रूल क्या है सेकंड फंक्शन का, स्क्वायर सेकंड फंक्शन आएगा सेम, ये हमारे पास 2x+1 सेम, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, माइनस सेकंड फंक्शन सेम, 2x-3 सेम, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहां पर सेकंड फंक्शन का स्क्वायर सेकंड सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव आएगा 2। अब हम इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू 2, कॉमन भी ले सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये बनेगा 2x+1, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये बनेगा 2x+3 डिवाइड बाय 2x+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस का 2x माइनस के 2x से कैंसिल आउट होगा, 1+3 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा हमारे पास 8/2x+1 होल स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे भी हम सबसे पहले लेट करेंगे y के इक्वल और सिंपलीफाई करेंगे। याद रखिएगा डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले और डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद अगर वैल्यू सिंपलीफाई होती है तो हमने सिंपलीफाई लाजमी करना है। इसका मतलब यहाँ पर y is equal to, इसको सिंपल मल्टीप्लाई की क्या बनेगा x, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1 को x की 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2। नेक्स्ट प्लस हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे स्क्वायर रूट एक्स को एक्स से, स्क्वायर रूट एक्स का मतलब है पावर 1/2, और 1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये एक्स की पावर बनेगी 3/2, और जब नेक्स्ट से इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पर जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस माइनस माइनस, ये बनेगा एक्स की पावर 1/2 और प्लस 3/2, तो ये बनेगी एक्स की पावर 4/4 यानी एक्स स्क्वायर, और हमारे पास ओवर में है स्क्वायर रूट एक्स यानी एक्स की पावर 1/2। अब आप नोटिस करें कि यहाँ पर ये वाली टर्म आपस में कैंसल आउट, तो y किसके इक्वल है, हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स पावर 1/2। सेपरेटली राइट कर सकते हैं x over x power 1/2 minus x square divided by x power 1/2। अब इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा, क्योंकि अगर डिवाइड हो तो पावर क्या आती है लेस, बेस सेम, डिवाइड हो तो पावर लेस, 1 से 1/2 लेस करेंगे और x की 2 से 1/2 लेस करेंगे, तो आपके पास y बना x की पावर 1/2 minus x की पावर 3/2। यहां तक हमने क्या किया, फंक्शन को सिंपलीफाई किया। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास बनेगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y का, और राइट साइड पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y की वैल्यू का। तो यहां पर 1/2, और क्योंकि डिफरेंस है तो इसको हमने एक स्टेप शॉर्ट करते हुए डिफरेंस रूल अप्लाई कर दिया, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले लिया। फर्स्ट पे अप्लाई करेंगे पावर रूल, आपको पावर रूल आना चाहिए पावर स्टार्ट में, पावर से 1 लेस, बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है एक्स पावर के नीचे जो वैल्यू है उसे हम बोल रहे हैं बेस, बेस का डेरिवेटिव, या कह लें पावर स्टार्ट में पावर से 1 लेस और डेरिवेटिव ऑफ विदाउट पावर। सेकंड पे अप्लाई करेंगे पावर स्टार्ट में और पावर से 1 कम, बेस का डेरिवेटिव वो बनेगा हमारे पास 1, तो आपके पास वैल्यू बनी dy/dx 1/2 x की पावर -1/2 -3/2 x की पावर हमारे पास बनेगी 1/2। मजीद आप चाहें तो इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, ये हमारे पास है डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 13 है, और डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले अगर वैल्यू सिंपलीफाई होती है तो हमने उसे सिंपलीफाई लाजमी करना है। तो मैं इसे क्या करूंगा, सबसे पहले लेट कर लूंगा y के इक्वल, और अगर 2 स्क्वायर रूट डिवाइड हो तो सिंगल स्क्वायर रूट में राइट कर सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट वाई लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट होल
x ओवर y, बट याद रखिएगा यानी टू स्केयर रूट डिवाइड है, सिंगल स्केयर रूट में राइट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई है सिंगल स्केयर रूट में राइट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास स्केयर रूट x स्केयर रूट y है तो सिंगल में स्केयर रूट एक्स वाई लिख सकते हैं, बट ये बात याद रखिएगा कि बट अगर हमारे पास स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट वाई है तो इसे एक्स प्लस वाई सिंगल स्केयर रूट में नहीं राइट कर सकते, इसी तरह डिफरेंस में भी सिंगल स्केयर रूट में राइट नहीं कर सकते। नोटिस कीजिएगा क्या राइट किया है, बट बी यू सिंगल टी बट बी यू डबल टी बट और बी यू ट्रिपल टी बट, जस्ट आपको इस पे फोकस करवाने के लिए। पहले बट से आप वाकिफ हैं, बट लेकिन सेकंड से तो बहुत ज्यादा वाकिफ है जो हम कहते हैं बट सब क्या हाल है, और थर्ड वाला ये वो बट है जो सुल्तान राय कहता था और मैं तेरे बट मारना ही होए, यानी ये बंदूक वाला बट होता है। तो हमने क्या किया, इसे सिंगल स्केयर रूट में राइट किया, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन सिंगल स्केयर रूट। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट साइड पे भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वैल्यू का, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इस पे हम रूल कौन सा अप्लाई करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे पावर रूल सबसे पहले, तो आपको पावर रूल आना चाहिए। पावर रूल क्या है, पावर स्टार्ट में आएगी, देन क्या करेंगे पावर से वन लेस करेंगे, पावर स्टार्ट में पावर से वन लेस, देन डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर, और वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहां पर पावर रूल हमने अप्लाई किया, सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर माइनस वन बाय टू। और यहाँ पर कोशेंट रूल, आपको कोशेंट रूल आना चाहिए सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन सेम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि टू एक्स है माइनस फर्स्ट फंक्शन, सेम सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव जो है टू एक्स, और यहाँ पर हम ब्रैकेट पुट कर देते हैं। अब अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पावर नेगेटिव वन बाय टू, फ्रैक्शन में शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी पॉजिटिव, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर पावर बनेगी वन बाय टू, और ये साथ क्या बनेगा टू एक्स कॉमन लूंगा, जब मैं टू एक्स कॉमन लूंगा तो रिमेनिंग क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ब्रैकेट ओपन करूंगा साइन चेंज होगी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगेन सिंप्लीफाई किया डी वाई ओवर डी एक्स इसके इक्वल है टू एक्स इंटू ये कैंसल आउट माइनस का टू डिवाइड बाय यहाँ पर हमारे पास और सॉरी ये साथ ये भी है इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, सेपरेटली स्क्वायर रूट राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर वन बाय टू अलग और एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर वन बाय टू अलग और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में क्या बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस का फोर एक्स और यहाँ पर ये टू टू से कैंसल आउट कर दिया सॉरी टू टू से कैंसल आउट किया कि ये बना माइनस का टू एक्स ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन बाय टू का मतलब स्क्वायर रूट और ये पावर ऊपर जाके लेस होगी, तो आपको पता होना चाहिए जब मैं टू से हाफ लेस करूंगा तो रिमेनिंग पावर क्या आएगी थ्री बाय टू, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर थ्री बाय टू। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, होप कि आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम शाह हुसैन फ्रॉम स्पायर कॉलेज दीपालपुर, हमारा लेक्चर नंबर है 16। लेक्चर नंबर 16 में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 अटेम्प्ट करेंगे, और याद रखिएगा ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन ये है इफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x शो दैट d 2x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, dy ओवर dx फाइंड करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है फंक्शन y इज इक्वल टू स्केयर रूट x माइनस 1 ओवर स्केयर रूट x। इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, x पावर 1/2 माइनस x पावर माइनस 1/2। अब मैं क्या करूंगा, इसे डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। इसका मतलब डेरिवेटिव लिया लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x, और राइट साइड पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y की वैल्यू का। तो डिफरेंस रूल अप्लाई करते हुए दोनों का सेपरेटली डेरिवेटिव ले लिया। अब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो x की 1/2 का डेरिवेटिव होगा पावर स्टार्ट में पावर से एक कम यानी -1/2, पावर स्टार्ट में पावर से एक कम -1/2 से एक कम करेंगे तो ये बनेगा -3/2, और लेफ्ट साइड पे dy ओवर dx। अगेन हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2 x पावर -1/2 +1/2 x पावर -3/2। ये हम dy ओवर dx फाइंड कर चुके हैं। अब आप नोटिस करें dy ओवर dx को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2x से। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय 2x ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 2x ऑन बोथ साइड्स, हमने 2x से मल्टीप्लाई किया ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, हमारे पास वैल्यू बनेगी 2x dy ओवर dx, और राइट साइड पे बनेगा 2x इनटू x raised to power -1/2 over 2 plus x power 3/2 divided by 2। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड सेम रहेगी 2x dy ओवर dx, राइट साइड पे बनेगा 2x into x power -1/2 divided by 2 plus 2x into x power 3/2 divided by 2। 2 constant है, constant से cancel out, तो ये बनेगा 2x dy over dx is equal to x power 1 minus 1/2 plus x power 1 plus 3/2, यानी base same है तो power add, तो ये बनेगा हमारे पास 2x dy over dx is equal to x power 1/2 plus x power 2x dy over dx। ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये हमारे पास पावर स्टार्ट में पावर से कम, सॉरी ये थी नेगेटिव पावर, यहाँ पर था नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर आएगा नेगेटिव, तो ये लेस करेंगे तो x की पावर कितनी बनेगी, माइनस का 1/2। अब आप नोटिस करें इसमें ऐड क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है y, तो हम इसे कह लेते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, इसका मतलब लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड पे जब मैं ऐड करूंगा तो लेफ्ट साइड है 2x dy ओवर dx, इसमें ऐड करूंगा लेफ्ट साइड y, और राइट साइड 2x dy ओवर dx की वैल्यू क्या थी, 1/2 x पावर -1/2, और इसमें y की राइट साइड पे जो वैल्यू है ये ऐड करेंगे x की 1/2 माइनस x की -1/2। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसल, तो ये बनेगा 2x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू स्केयर रूट x प्लस स्केयर रूट x किसके इक्वल आएगा, 2 स्केयर रूट x। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था, होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। If y is equal to x raised to power 4 plus 2x square plus 2, prove that dy over dx is equal to 4x square root y minus x। यानी very simple, हमें derivative find करना है और इस form में convert कर देना है। तो हमारे पास सबसे पहले given क्या है, given y is equal to x raised to power 4 2x square plus 2, हम क्या करेंगे, differentiate करेंगे with respect to x on both sides। तो हमारे पास बनेगा लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x, राइट साइड पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y की वैल्यू का। तो सम रूल अप्लाई करते हुए सेपरेटली डेरिवेटिव लेते हैं x की पावर 4 का, कांस्टेंट स्टार्ट में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर का, और डेरिवेटिव ओनली कांस्टेंट का।
हम पहले से पावर रूल स्टडी कर चुके हैं पावर स्टार्ट में, पावर से वन लेस बेस का डेरिवेटिव सेम, टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू एक्स कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, ये हमारे पास है डीवाई ओवर डी एक्स, तो हम कह सकते हैं डीवाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या है, फोर एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स। अब इसमें से राइट साइड से कॉमन क्या आ रहा है, फोर एक्स कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास है डीवाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स कॉमन लिया, यहां पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, मैं इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में बनाना चाहता हूं, तो हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में बनाने के लिए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, फोर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहां पर हमने स्क्वायर ले लिया और यहां पर स्क्वायर रूट। अब आपको स्क्वायर ओपन करना आना चाहिए, हम क्या करेंगे यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो हमारे पास है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट में क्या वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगेन सिंप्लीफाई किया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की फोर टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमारे पास स्क्वायर रूट में आ चुका है। अब हम इसके रूप में बनाना क्या है, y माइनस वन, तो y माइनस वन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x की 4 प्लस 2x स्क्वायर, हम 2 को राइट 1 को राइट कर सकते हैं 2 माइनस 1, उसका बेनिफिट क्या हुआ, क्योंकि यहां तक ये जो वैल्यू है बाय क्वेश्चन ये गिवन है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा y बन जाएगा, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, फ्रॉम 1 फ्रॉम वन, तो ये बना हमारे पास dy over dx is equal to, यहाँ पर सो सॉरी ऑलरेडी कॉमन था 4x, तो यहाँ भी आएगा इक्वल टू 4x, यहाँ भी इक्वल टू 4x और यहाँ पर भी इक्वल टू 4x, तो ये बना इक्वल टू 4x, x की 4 2x square 1 को लिख सकते हैं 2 माइनस 1 स्क्वायर रूट, अब इतनी वैल्यू क्या बनेगी y, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर रूट y माइनस 1, तो ये था आज का लेक्चर नंबर 16, थैंक यू सो मच।